सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। फिलहाल मेरा हाल बेहाल है, क्योंकि देखिए 1-1.5 घंटा से माँ हमको ढील झाड़ रही है, माथा में तेल लगाई है और बहुत ढील हो गया हमको, और चैन से रहने नहीं देता है दुश्मन सब। और माँ गई थी ना, आ गई हैं आज, आज नहीं आए कल आए हैं, यानी कि आज आप लोग को दिखा रहे हैं वीडियो में। खैर देखिए, बाप रे बाप, दिखाई भी नहीं देगा, लीक सब जिंदा है, जीना हराम कर दिया है मेरा। खैर बने रहिए, हो गया 1-1.5 घंटा हो गया, हम तब से बैठे हैं, माँ तब से तेल लगाई है, माथा झा रही, फिर उसके बाद ढील निकाले हैं, बाप रे बाप। खैर ऐसे हमारे ब्लॉग बने रही है और हम लोग को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और दिखाते कि आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग के पास मेरा वीडियो कंटिन्यू जाता नहीं है। क्या करूँ मैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी। खैर अभी तो चल रहा है काम, तब भी उतना अच्छा से हो नहीं पा रहा है काम मेरा। पता नहीं किसका नज़र लग गया है मेरे काम को, पहले की तरह ना कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं। खैर कोई कुछ भी करे, बस आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, हम लोग को ही नहीं, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं सबको सपोर्ट कीजिए, उसके साथ हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए थे और बस हो गया, आज तैयार नहीं हुए क्योंकि आज हम वैसे बना लिए सुबह शॉर्ट वीडियो, और वीडियो तो हम तभी बनाए थे। चलिए तो बस, ये क्या है जी, ये मैं पहने एक नहीं पहने, खुल जाता है इयररिंग मेरा, मैं इसमें घाव हो गया था ना, देखते हैं बहुत दर्द हो रहा है कान, इसलिए मुझे खोल लिए थे और तब एक खोला नहीं है पहना हुआ, बताइए मेरा भी दिमाग जो है, रुकिए एक मिनट। चलिए अब नहीं भी पहनेंगे तो कोई बात नहीं है, एक पहनो एक नहीं पहनो। और देखिए पहले तो अकेली थी, अब माँ भी आ गई है तो इतना अच्छा लगता है, पर नेहा दीदी नहीं है ना तो उतना मन नहीं लगता है, दुश्मन सब। खैर चलिए, वो भी अभी नहीं आएंगे, पता नहीं जब आएंगे, वो भी रहते थे तो उनके साथ भी शॉर्ट वीडियो बनता था, नेहा दीदी पर ही नहीं, अकेले हम आशिक रहते हैं बस, आशिक अपना अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं और दोनों बिजी रहते हैं, तो मजाक तजाक कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम तीन आदमी रहते थे तो बहुत अच्छा था, तीन आदमी कॉमेडी करते रहते थे पूरा दिन, जितने दिन टाइम फ्री रहता था, अभी तो है नहीं तो खैर अपना काम ही उतना ध्यान रहता है। खैर उनको भी याद कर रहे हैं हम बहुत आज। खैर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बहुत याद कर रहे हैं। चलिए तो बस ऐसे बने रहिए हमारे ब्लॉग में, कुछ है ही नहीं, आप लोगों को क्या दिखाएंगे, हम सुबह ही खाना पीना बना लिए थे और तब बना के नहा सुना के आराम से बैठे थे, तो माम ढील निकाल दिए और तेल लगा के झाड़ दी माथा। खैर बस यही बात, माँ ऊपर चढ़ गई जी। खैर हमारे ब्लॉग को ऐसे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और मेरा डांस अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही, और मैं ऊपर चढ़ के पता नहीं क्या कर रही है। खैर और हम जा रहे, थोड़ा तैयार हो जाते हैं, वैसे तो बन गया मेरा वीडियो शीडियो, पता नहीं यार पेट में बहुत दर्द होता है मेरा, इससे पहले 2 दिन पहले भी पेट में दर्द हो रहा था और आज भी हो रहा है, सोचने लगते हैं कि हम काम कैसे करेंगे और मेरा काम पर फोकस चल जाता है, जब मेरा तबीयत ख़राब होता है तो सब कुछ अच्छा, पेट बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं होता मुझे और ना ही देहात का दर्द बर्दाश्त होता है, पर पेट में ही दर्द हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा मुझे। खैर और नहीं बोल सकते, बस ऐसे ही सोचे, इतना मेहनत करते हैं हम लोग और सब मेहनत करता है और हम लोग को भी, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है? और आप लोग का कुछ भी कमेंट है तो मुझे
कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। लव यू फ्रेंड्स।